श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रकृतवे शुश्रूषवे तच्छणा। महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा इसका विस्तार किया गया है। ऐसे श्रीमद् भागवत के श्रवण के बाद भी क्या हमें परमात्मा का बोध नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो गई? किंबा पर ही ईश्वर, अर्थात शीघ्र भगवत कृपा के हम पात्र बनेंगे, शीघ्र भगवत तत्व का हमें बोध हो जाएगा। कितने शीघ्र हो जाएगा बोध? बोले तत्क्षणात्, उसी क्षण हो जाएगा। अरे किस क्षण होगा? बोले शुश्रूष भी, श्रोतुम इच्छत भी। कथा सुनना तो बहुत दूर की बात है, बस सुनने की प्रबल उत्कंठा भीतर जगी कि हमें एक बार भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाना है। यह दिव्य अनुराग भागवत के श्रवण का जहां आपके भीतर जागृत हुआ कि तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुद्धते, उसी क्षण ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के विराजमान नहीं हो जाएंगे, अवरुद्धते कैद हो जाएंगे, आपके हृदय के बंधक बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। महाराज सुनने की इच्छा कब पैदा होगी? बोले कृत भी। यदि आप सुकृतात्मा हैं, यदि आपके पुण्य प्रबल हैं, क्योंकि बिना पुण्य प्रताप के सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। और कोई पुण्यात्मा आपको हाथ पकड़ के लेके भी जाना चाह रहे, सुंदर कथा हो रही है, आप चलो ना, यहाँ ताश बैठे बैठे खेल रहे हो। देखो आम भी कई प्रकार के होते हैं, तोता परी आम, जान कितने नाम होते हैं, और खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, थोड़ा मीठे का भी स्वाद है, थोड़ा खट्टे का भी स्वाद है, कई प्रकार के रस एक साथ प्रकट हो रहे हैं। और उसको ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इसको क्या नाम दिया जाए, मीठा कहा जाए या खट्टा कहा जाए, अनेक रस विद्यमान है। ऐसे श्रीमद् भागवत रूपी फल में विविध रस हैं। एक ही श्लोक में सुखदेव जी ने कितने रस प्रकट कर दिए। मल्लानाम असनिर्णनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजन सुताम शितभुजाम सास्ता स्वपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्टीनां परदेवते च विदितो रंगं गत साग्रजः। गोविंद एक हैं, देखने वाले अनेक हैं, पर समस्त रसिकों को उस रस का अपनी अपनी भावना अनुसार अलग अलग दर्शन हो रहा है। अमृत द्रव संयोतम, इस प्रकार से अनेक रसों से समन्वित यह रसीला फल है। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत पियो इस फल को पियो। किसी ने कहा फल कहीं पिया जाता है बाबा, ये कैसा फल आप दे रहे हो जो पिया जाए? व्यास जी कहते हैं जिस फल में छिलका गुठली हो उसको चूसना पड़ता है, क्योंकि चूसने के बाद रस रस चूस करके फिर छिलका गुठली फेंक दो। पर इस भागवत रूपी फल में फेंकने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, कुछ भी त्याज्य वस्तु नहीं है, सर्वग्राही है, ये रस ही रस है। रसमालयम रस का भंडार है, विद्यालयम औषधालयम भोजनालयम पुस्तकालयम, सबके अलग अलग आलय हैं, तो भागवत किसका आलय है? बोले रसमालयम, ये रस का आलय है, रस का भंडार है, रस ही रस इसमें भरा है, इसलिए सर्वग्राह्य रस है। जैसे फलों का जो जूस निकाला जाता है तो जूस को डायरेक्ट पिया जाता है, खाया चबाया नहीं जाता, चूसा नहीं जाता, डायरेक्ट गटक लो। ऐसी भागवत दिव्य अलौकिक आनंदमय रस है, रस स्वरूप का रस है, इसलिए पिबत
कान के दोनों में भर भर के इस रसामृत का पान करो। कितनी बार पिए बाबा? बोले मोहो मोहो, बारंबार पियो बारंबार पियो। बोले महाराज बांटने वाला बांट तो बांटता तो है, परंतु जरा जनता को देख के बांटता है कि भैया चरणामृत बांट रहे, कहीं खत्म ना हो जाए, सबको मिलना चाहिए। ब्यास जी कहते हैं ये समाप्त होने वाला रस नहीं है, इसलिए बार बार पियो, क्योंकि कम होता है ना तो जरा हिसाब से पिलाना पड़ता ताकि सब तक पहुंच जाए, पर जहां पर्याप्त है वहां तो जबरदस्ती पिलाया जाता है। साहब एक गिलास और पीना पड़ेगा, एक गिलास और पीना पड़ेगा। जहां दूध के दर्शन ना हो या मिला भी तो थोड़ा मिला तो फिर लाइन लगाना पड़ता है। भाई हिसाब से कहा भाई एक बार तुम पी चुके, अब दोबारा कैसे आ गए? बचेगा तो फिर मिलेगा, नहीं तो तब तक चलो एक से काम चला, ऐसे हिसाब लगाना पड़ता है। और जहां चाह का चकाचक भंडार हो वहां तो भैया जबरदस्ती पिलाना पड़ता है, भाई एक और पीना पड़ेगा। तो ब्यास जी भी कहते हैं कि ये रस समाप्त होने वाला नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत चरित्रों से रस भरा यह दिव्य समुद्र है, इसलिए मुंह मुंह पिबत बार बार पियो बारंबार पियो। अहो रसिका भुवि भावुका, हे रसिक जनो हे भावुक जनो, तुम बड़ भागी हो, पुण्य आत्मा हो जो तुम्हें ये रस प्राप्त हो रहा है, अन्यथा भुवि रसिका, भुवि शब्द का प्रयोग किया, हे भूमंडल के रसिक भावुक जनो तुम बड़ भागी हो, क्योंकि रसिक तो और भी स्वर्गादि लोकों में हैं, पर मिलता नहीं है उन्हें ये रस, तरसते ही रहते हैं। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम् रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चन कर्हिचित्। स्वर्गे सत्ये कैलासे वैकुंठे अपि अयम् रसः नास्ति, किसी भी लोक में यह रस प्राप्त नहीं होगा आपको। भोले बाबा कैलाश के वासी, पर जब कथामृत का रस पान करने का मन होता है तो उन्हें भी भारत में आना पड़ता है, कभी कुंभज ऋषि के पास तो कभी नीलांचल पर्वत पर बैठे काग भुसुंड जी के पास, वहां वो रस नहीं मिल पाता। अरे उनकी तो छोड़ दो, वैकुंठ में भी चले जाओ तो वहां पे भी नहीं मिलने वाला। जब राम जी जा रहे थे पूरे अवधपुरपुर वासियों को अपने साथ विमानों में बैठा कर, हनुमान जी से कहा बैठो बैठो भैया हनुमान। हनुमान जी बोले सरकार कहां? बोले साकेत जा रहे हैं हम, तुम नहीं चलोगे? बोले प्रभु मैं चलने को तो तैयार हूं, पर ये बताओ वहां व्यवस्था कैसी है। भगवान बोले तुम्हें क्या व्यवस्था चाहिए? हमारे यहां व्यवस्था की कोई कमी है क्या? हमारे रहते क्या कमी होगी? बोले महाराज पहले तो मुझे ये व्यवस्था चाहिए कि मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं, कोई कथावाचक बढ़िया है वहां पर जो कथा सुनाए आपकी? भगवान बोले देखो वहां कथा बता कुछ नहीं होती, वहां तो नित्य हमारा दर्शन नित्य हमारा सानिध्य तुम्हें प्राप्त होगा। हनुमान जी बोले तो क्षमा चाहूंगा सरकार, आप तो परमानेंट मेरे हृदय में बैठे ही रहते हो, तो आपसे को तुम्हें चाह जब देख लेता हूं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, तो आप तो नित्य मेरे हृदय भवन में विराजते हो, तो आपसे तो मैं कभी भी मिल लूंगा, पर आपकी कथा सुधारस पान करने को न प्राप्त हो तो हमें तो आपका साकेत नहीं जचा। जब तक इस धराधाम पर आपकी दिव्य कथा हो रही है तब तक तो मैं यही आनंद लेना चाहता हूं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवान परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। जहां कहीं भी भगवान की कथा हो, कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी सबसे पहले दौड़ करके अपना स्थान ग्रहण करते हैं। इतने दीवाने हैं, धावंती रसलंपटा। जब पुष्प में पराग अपनी गंध छोड़ता है तो भौरों को बुलाना नहीं पड़ता कि भैया भंडारे का समय हो गया, चलो। अपने आप ही दौड़ दौड़ के भ्रमर गुंजार करते हुए भागे भागे आते हैं पराग मकरंद का रसास्वादन पाने के लिए। ऐसी जो कथा के दीवाने हैं, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही पता लगा करके भागे भागे आ जाते हैं। हनुमान जी ऐसी परम रसिक है। तो साकेत स्वीकार नहीं किया कि प्रभु जब तक इस धरा पर आपकी कथा प्रवाहित है तब तक तो अपने राम यही रसास्वादन करेंगे। ऐसे रसिकों का यह रस श्रीमद् भागवत है। अहो रसिका वो भी भावुका। इसलिए हे रसिक जनो, भावुक जनो, अत्रागत्य इदम रसम पिबत। बार बार आकर के इस रस का खूब पान करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। यह दिव्य रस सूत जी सौनकादि ऋषियों को नैमिष भूमि में पान करा रहे हैं।